मोहतरम हाजरीन व नाजरीन आप तमाम लोगों की ख़िदमत में सलाम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोब फ़ारसी की जानब से मन्क़द राजा धनराजगीर यादगारी ख़ुतब में आप तमाम लोगों का इस्तबाल है दक्कन की सरजमीन वलूम फ़नून सकाफ़त और शरीय तरीक़त का गहवा रही है जिसमें बेशुमार शख्सियात ने जन्म लिया और हर एक ने अपना अपना रोल बखूबी अंजाम दिया इसी में एक अज़ीम शख्सियत राजा धनराजगीर की भी थी जो इंतहाई कुशादा ज़रफ़ी मार्फ परवरी और इल्म नवाजी की हैसियत रखते थे शोब फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इसी शख्सियत का एतराफ़ करते हुए एक धनराजगीर राजर यादगारी खुतबे का अहतमाम किया है जिस मैं सबसे पहले अपने हरदिल अज़ीज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर एस एम रहमतुल्ल साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने जहमत फरमाई और हमारे इस यादगारी खुतबे की सदारत के लिए तैयार हुए उसके बाद प्रोफेसर अज़ीज़ बानो सदर शुब फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खुतबे के लिए वक्त दिया प्रोफेसर इश्तिया अहमद साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हैं जो ये यादगारी खुतबा पेश करेंगे उसके अलावा सैयद इसमत जहां साहिबा हैं जिनके नाम से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस खुतबे की मंजूरी दी मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ एहसान मंद भी हूं और इस्ताल भी करता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए वक्त दिया मैं अब डॉक्टर सैयद आसमत जहाँ से, जहां से करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और इस यादगारी खुतबे का खुदब इस्तलिया पेश फरमाएं। सलाम व फारसी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और कौमी कौनसल बरए फर उर्दू जबान नई दिल्ली के इश्तराक से मुनद हो रहे हैं इस राजा धनराज की यादगारी खुतबे में आप तमाम का खैर मुकदम है बिलखसूस इस पहले यादगारी लेक्चर के मकार मुमताज़ इस्कालर व हद्दिल अजीज़ उस्ताद प्रोफेसर इश्ताक अहमद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का पहले तो हम में समीम से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दौरे करुनाई में और अपने शोबे का सेमिनार छोड़कर आपने हमारी दरख्वास्तव को कबूल फरमाया और लेक्चर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हम अमीखी कलब से आपका खैर मकदम करते हैं सदर इजलास माँ प्रोफेसर रहमतुल्ल वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपने अपनी गुनागु मसरूफियात के बावजूद हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी इसके लिए हम आपके बेहद ममन मशहूर हैं और आपका ख़ैर मकदम करते हैं और उन तमाम मेहमानों का जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम का मुशाहिदा कर रहे हैं खुश आमदी कहते हैं सदर शुब फ़ारसी प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहबा का और शोबे के तमाम उस का दिली खैर मकदम है जैसा कि आप सब जानते हैं दक्कन का इलाका अपनी इलमी अदबी और फरहंगी खसूसियात की बिना पर एक खास इनफरादियत रखता है और इब्तदाई से ये इलाका फनून तहजीबाफत का गहवारा रहा है दक्कन में फारसी अदब की तार, जबान अदब की आगाज कब आगाज पर अगर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले बहमनी सल्तनत का जिक्र होगा दक्कन में बहमनी दक्कन में बहमनी खानदानों की तकरीबन 200 सौ बरस रही इस अहद में इल्म, अदब और तहजीब तहजीबाफत को जो गैर मामूली फरोग हासिल हुआ वो नाकबली फरामोश है उनकी शानदार रिवायत बहमनी सल्तनत की जानशीन सल्तनतों को गोया विरसे पे मिली थी आदिल शाहियान खुतुब शाहियान और आसिफ जहां ने इन रिवायात को बरकरार रखा यही वजह है कि दक्कन में फारसी जबान ने गैर मामूली उर्ज पाया इन अजीम सल्तनतों के बीचतर सलातीन साहिब कलम परवर इल्म, इल्म नवाज थे यही नहीं बल्कि उनके उम्रा व बुज़रा भी न सिर्फ साहिब सुखन थे बल्कि सुखन शनास व सुखन नवाज भी थे जैसे दक्कन में आज भी महलखा चंदा महाराजा चंदूलाल शादा राजा गिरधारी लालवंत बाखी और महाराजा किशन प्रसाद राजा राजेश्वर राव असगर और राजा धनराज, राजर वगैरह की इल्म नवाजी, इल्म परवरी इल्म दोस्ती इल्मी फयाजियाँ और दरिया की दास्तानें आज भी मशहूर हैं इन उम्र ने मुख्तलिफ़न के साथ फारसी जबान की भी सरपरस्ती की और उसकी तशहर वशात में गैरमूली हिस्सा लिया और यही वजह है कि फारसी जबान दक्कन में बहुत तेज़ी से रच बस गई लिहाजा इन अजीम हस्तियों की कोशिशों काविशों और कारनामों को उजागर करने के लिए और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शुब फ़ारसी ने कौमी कौंसल बरए फ़रक़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक़ से राजा धनराजगीर यादगारी खुतबे के अनवान से एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका पहला लेक्चर आज यहाँ होने जा रहा है उम्मीद है कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा एक बार फिर आप तमाम को इस लेक्चर में खुशाम कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैदा जहां साहबा वक्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है बाफ् से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है यही क्या कम है कि नस्बत मुझे इस खाक से है बज़म अंजुम में कबा ख़ाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है तो ये वो सरज़मीन है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि किलूम फ़नून और तहजीब सकाफ़त का अगर कोई गहवारा है तो दकन है रोज अवल से ले आज तक बेशुमार शख्सियात यहाँ पैदा हुई और अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि यह सरजमीन आसमान के बराबर है इसी में जो इल्म नवाज़ी और मारिफ परवरी हुई उसमें न कोई तमीज़ रही न कोई तहजीब रही न कोई इलाका रहा बल्कि हर एक शख्स इसमें अपने अपने रोल को अदा करता रहा और अपनी खूबियों को उजागर करता रहा बज़म अंजुम में कबा ख़ाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक में है एक ऐसा पोशाक जिसने हर तरह से इल्म की याबियारी की और इसी की इसी तमाम उलूम को उजागर करने के लिए शोब फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू य ने धन राजर मेमोरियल लेक्चर का अहतमाम किया है जिसके लिए हमने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोब फ़ारसी के मुमताज़ इस्कालर प्रोफेसर इश्ताक अहमद साहब को जहमत दी और उन्होंने हमारी ये दावत कबूल की हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इल्तिमास करते हैं कि आप आएँ और अपना लेक्चर बनवान दक्कन में फ़ारसी ज़बान अदब और तहजीब तहजीब वकाफ़त पेश फरमाएँ डॉक्टर इश्ताक अहमद जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली बसमिल्लर आई नाम तो बेहतरीन सर आगाज़ बी नाम तो नाम कई गुनाबाज़त मब महतरम प्रोफ़ेसर एस एम रहमतुल्ला साहब वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हनुम प्रोफ़ेसर डॉक्टर अज़ीज़ बानो साहबा प्रोफेसर शाहिद नौखै साहेब और खानूम सैदा असमत जहाँ मैं पूरे शोबे फारसी का और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बेहद ममनून व मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मुझ जैसे नाचीज़ को पहला यादगारी खुतबा जो राजा धनराजगीर के याद में हो होना तय पाया है उसके लिए मुझे ये मौका इनायत फरमाया मैं आप सबों का बेहद ममनून मशकूर हूँ और साथ ही साथ कौमी काउंसिल ब्राह फ़रोग उर्दू ज़बान का भी मोहतरम डायरेक्टर प्रोफेसर अकील साहब कल मौजूद थे कल के सेमिनार में इस यहाँ इस मजलिस में मौजूद थे ऑनलाइन और मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम सबों को ये मौका इनायत किया ताकि ये पहला यादगारी खुतबा शुरू की जा सके मैंने मख्तसर वक्त के दौरान ही जब ख़ान अज़ीज़ बानो साहबा और प्रोफेसर शाहिद नखैज़ साहब से गुफ्तू हुई तो मैंने चूँकि इस सरज़मीन का ताल्लुक़ जैसा कि अभी प्रोफ़ेसर शाहिद नौैज़ साहब ने फरमाया वो फ़ारसी ज़बान व दबियात की तरवीज़ के लिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे नुमाया है यूं तो अक्सर कहा जाता है कि दौरान तीमियान यानी मुग़लों के वक्त फ़ारसी का फ़ारसी की बहुत तरवीज़ हुई तरक्की हुई लेकिन जब मैंने दक्कन में फ़ारसी के हवाले से जब मैंने मुताला करना शुरू किया मुख्तलिफ किताबों को रजू किया तो मैंने देखा के दक्कन के जो हुमर हैं दक्कन की जो मुखलिफ़ डायनेस्टीज रही हैं इस दौर में भी फ़ारसी के जो खदमात अंजाम दिए गए हैं जो कुछ किताबें लिखी गई हैं जो कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जिस तरीके से यहाँ के सुल्तान निज़ाम और बादशाहों ने जिस तरह से तरवीज़ की वो कहीं मुग़लों से कम नहीं है मैं अपने आप को एक तरह से दोबारा प्लेस किया इन चीज़ों को यानी इल्मी तौर पे इन चीज़ों को देखने के लिए कि कितना ये ख़त्ता किस कदर अहम रहा है फ़ारसी की तरवीज के लिए और यकीनन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इसमें शिरकत कर रहा हूँ और इस ताल्लुक़ से दक्कन में फ़ारसी ज़बान व अदब और तहज़ीब सकाफत के मौजू को मैंने इंतख किया इस मख्तसर ख़तबे में यानि इस सुख़न में काफ़ी बड़े पैमाने पे वो सारी किताबें वो सारे आसार फारसी जो लिखी गई हैं उसको मुख्तलफ डाइनेसटीज़ के हवाले से देखने की कोशिश की गई है सबसे पहला बहमनी दौर में फ़ारसी ज़बान अदब की तरवीज है फिर उसके बाद आदिल शाही दौर में फ़ारसी ज़बान अद अदब की तरवीज है फिर ब्रीफली निज़ाम शाही दौर में फिर कतुब शाही दौर में फ़ारसी ज़बान की तरवीज़ के हवाले से गुफ्तु होगी जिसमें नमतुल्ल नमत ख़ँली जैसी शख्सियत पे गुफ्तु की जाएगी और आखिर में आसफिया दौर में भी फ़ारसी जबानदब के हवाले से जो ख़ास व नुमाया कनामे अंजाम दिए गए हैं उस पर गुफ्तु करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ वैसे तो ये खुतबा काफ़ी तवील है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो वक्त मैसर है उसमें इसको उसी के हद में इसको अंजाम दिया जाए दक्कन में फ़ारसी ज़बान व अदब और तहजीब वक़ाफ़त इंसान समाज और महारे से सीखता है और अपनी इस्तेदाद और रुझान के मुताबिक उसे नवाजता भी है इस लेन देन के नतीजे में माशरे के मजमू रवैये जाहिर होते हैं इन्हीं रवैयों को दौरे हाजिर की अतलाह में कल्चर कहा जाता है मशहूर नक़ाद व अदीब और दानश्वर अनीस नागी के मुताबिक कल्चर एक उसलूब जिस्त है जिसमें माशरे के ख्वाब और होश की जुमला वारदातें शामिल होती हैं कल्चर एक माशरे की बातनी तंजीम का मजहर होता है जो एक अमल और जुग्राफियाई हदूद अरबा और मज़हबी रवायात व रसूम से अपने ख़दुख़ाल मुरत्तब मुरतब करता है इंसान की अनफरादी ज़िंदगी की तरह इज्तमी ज़िंदगी में भी तगीर व तबदल और जवाल आते रहते हैं किसी माशरे के कल्चर की तश्ील में उसके अकायद रवायात और माहौल अहम किरदार अदा करते हैं तब्दीली अकायद नकल मकानी और माशरती रब्त जब्त के अलावा इलमी तरक्की यात या इनहता, के नतीजे में कल्चर में ज़हूर पजीर होते हैं ये येल हमेशा अफराद और माशरे माशरे पर शुक्रिया ये आवाल हमेशा अफराद और माशरे पर असरानंदाज होते रहते हैं इसीलिए हर माशरे के कल्चर में तब्दीली का अमल जारी रहता है किसी माशरे के कल्चर को समझने का सबसे मौसर ज़रिया इस माशरे में तख्लीक शुदा अदब हुआ करती है अदब के मुताले से ही अफराद मुआसरे के एतकादात व ख़यालात और रवायात व आदात का इल्म होता है। फर्द की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के रसूम रवैयों और कैफियत का मुफसल बयान अदबी पैराए में ही मिलता है मशहूर शायर अहमद फ़ैज़ के बकौल अदब कल्चर का सबसे हमगीर सबसे नुमाइंदा सबसे जामे और सबसे मौसर जुज है कल्चर के बातनी और नज़रियाती पहलू पर नज़र डालिए तो मजमू क़दरों तजुर्बों और उमंगों का तयन तारीफ और तफसर सबसे ज़्यादा अदीब ही के नुक कलम से होती है वही इसकी परेशानी और पोसीदा सूरतों को तरतीब और इजहार की सूरत बख्शता है लाशूर से शूर एहसास से इदराक तस्वूर से तस्वीर तक के मनाजिल इसी के मसाई से तय होते हैं कदीम जमाने में कदीम ज़माने से बरसगीर और ईरान के दरमियान गहरा ताल्लुक़ रहा है ग्यारहवीं सदी ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी के पंजाब को इस सल्तनत में शामिल करने के नतीजे में पंजाब का वस्ते एशिया की रियासतों से बरा रास्त कायम हुआ मोजुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौरी के अहद हुकूमत में शुमाली हिंद की फतह के बाद सगीर में वस्त एशिया और ईरान से हर शोब जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला शुरू हुआ जो मुगलिया सल्तनत के जवाल तक जारी रहा गजनवी हुक्मरान मसूद मसूद अव्वल के दरबार से वस्ता लाहौर के मशहूर शायर अबू अब्दुल्ला को फारसी जबान का पहला शायर तस्लीम किया जाता है मसूद साद सलमान भी इस दौर के मरूफ शायर हैं उनका कलाम उन उनके कलाम में मुसलम तबके खवास के एहसास की अक्का मिलती है वस्त एशिया और ईरान से आने वाले उन सिपाहियों, हुनरमंदों, फनकारों और कलमकारों ने बर सगीर की मुआसरत को हर जहत से मुतासर किया जिसके नतीजे में हिंदी मुस्लिम तहजीब ने जन्म लिया मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद और कयाम हुकूमत के बाद ही हुकमरा और बातदार तबके की ज़बान फारसी बन गई वस्ते एशिया ईरान और अफग़ानिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले मुसलमान फारसी ज़बान भी अपने साथ लाए थे सियासी सरपरस्ती के सबब बहुत जल्द फारसी ने तहजीब तमदन और सकाफती मैदान में भी दूसरी ज़बानों के मुकाबले में बर्तरी हासिल कर ली लेकिन हिंदुस्तानी अवाम को अक्सरीत हिंदुस्तानी अवाम की अक्सरीत फ़ारसी से ना बलद थी सिवाए चंद अफराद के जिन्होंने मलाजमत के हसूल या सियासी मकासद के लिए हुक्मर तबके की ज़बान सीखी दरबार की सरपरस्ती सिर्फ़ फ़ारसी के लिए थी इसी फ़ारसी ज़बान ने तरक्की तो की लेकिन इसकी जड़ें अवामी मुआशरे में बहुत मज़बूत नहीं हो सकी तेरहवीं सदी ईसवी में मंगोलों के यलगार ने मावेराउन नहर और खुरासान के शरफ़ा को अपने आबाई घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया बर सगीर से कदीम रवाबित और मंगोलों की यलगार से महफूज होने के सबब अक्सरियत ने हिंदुस्तान का रुख किया मावेरा नहर के उन शरफा की आमद के नतीजे में उस दौर में दिल्ली सूबाई मराक़ और किलादार शहरों में फारसी ज़बान अगरचे मुख्तलफ चश्मों से रवा थी लेकिन बुनियादी तौर पर मावेरा नहरी बोल चाल और लहजे से बहुत मुशाबे थी अहदे सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर व अदीब अमीर खुसरो की फारसी शायरी में तारीख़ी शुरू बहुत नुमाया हैं जिसका अवलिन इजहार शहजादा मोहम्मद बलबन के मरसिए में मिलता है उसने मंगोलों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी जबकि इसामी की फतहुस सलातीन में तारीख़ी रजमिया अपने नुक़रू पर नज़र आता है तुगलक दौर में वस्ती ऐशिया से आने वालों ने बर की फ़ारसी को तस्कीक और इबहमन नवीसी से रोशनास कराया उस दौर में ओबैद की तश्ीक और बद्रचाच चाच की इबहमगुई ने बर की सीधी साधी फ़ारसी शायरी को मुअम्मा बनाने का माहौल फरहम किया मुगलिया दौर के आगाज़ में तुर्की और फारसी जबानों के माबे दरबार में फोकियत हासिल करने के लिए कशमकश हुई मुगलिया सल्तनत के बानी जहिरुद्दीन बाबर तुर्की ज़बान का शायर था लेकिन उसका वारिस नसीरुद्दीन हुमायूं फारसी में शेर कहता था शेर शाह सूरी से कसमकस के नतीजे में हुमायूं को ईरान में पनाह लेनी पड़ी इस तरह उसके ताल्लुक मजीद मुस्तहकम हो गए और फारसी अहल दानिश की आमद शुरू हुई उसके नतीजे में तुर्की जबान का असर जल्द ही ख़त्म हो गया ईरान में सफवी दौर हुकूमत में फारसी शायरी का तनाज़ुल का बिलवास्ता बर के फ़ारसी अदब को पहुँचा उसी दौर में नज़ीरी जहूरी और उर्फ़ी जैसे कदरुल कलाम शायर सरज़मी ईरान से बरगैर में वारद हुए जहांगीर और शाहजहाँ के दरबारों से वस्ता मलिकुषरा तालब आमलीसी मसहदी और कलीम हमदानी सब के सब ईरान के रहने वाले थे अकबर आजम की मजहबी और सियासी तजुर्बात ने बर्रे सगीर में फारसी शेर अदब को एक हद तक मुतासर किया अब्दुलरीम ख़ान खाना की शायरी में मकामी असरा मिलते हैं मलिकुश्रा फैजी के यहाँ तश्ीक और जहनी कशमकश का इजहार मिलता है उन्नीसवीं सदी आते आते वो मिर्ज़ा गालिब की शायरी में नुमाया होकर सामने आता है शायरी के अलावा नसरी अदब में अबुल फजल और मुल्ला बदायूनी ने बेशा इजाफे किए इंशा यानी सरकारी ख़त व खताबत अव्वल अव्वल तो ईरान और एशिया से आने वाले अहल कलम के हाथ में रही इसका मैार किसी एतबार से ईरान के सफवी दरबार से कम नहीं था आहिस्ता आहिस्ता इंशापरदाजी का शोबा हिंदू कायस्तों के लिए मखसूस हो गया कायस्तों की फारसी इंशा परदाजी का आगाज हरकरन से हुआ जिससे चंद्रभान भान से होते हुए और औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में इंसाए माधोराम की सूरत में कलासिक का दर्जा हासिल किया बहमनी दौर में फ़ारसी ज़बान अदब के हवाले से ये कहना नहायत मुनासिब होगा कि दक्कन के इस, इस इलाक़े में फ़ारसी तमादन तहजीब फ़न तमीर अदब और समाज सकाफत के असर काफ़ी गहरे तौर पर पाए जाते हैं शुमाली हिंदुस्तान के साथ दक्कन का बाकायदा ताल्लुक़ खिलजी अफवाज की फतह के बाद कायम हुआ फ़तह दक्कन दोनों खित्तों के लिए अदबी और सकाफती एतबार से बड़ी अहमियत रखती है इसके अलावा तुगलक अहद में दौलताबाद दूसरा दारुल सल्तनत रहा बहमनी सल्तनत ने इस इलाके में फारसी अदब की बड़ी अहम खदमत अंजाम दी इसी दौर में फ़ारसी को सरकारी दर्जा होने का शरफ़ हासिल हुआ मुसलमानों ने बंगाल से भी ज़्यादा ताकतवर आज़ाद हुकूमत दक्कन में कायम की थी जो एक सदी से ज़्यादा अरसे तक बरकरार रही ये अपने बानी अलाउद्दीन हसन जफर खान बहमनी के नाम पे बहमनी सल्तनत कहलाती है ज़फ़र ख़ान दिल्ली का एक गरीब सिपाही ज्यादा था तरक्की करके सरदारी के दर्जे तक पहुँचा और जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दक्कन में शोरश हुई तो बागी अमीरों ने पहले इस्माइल मुख और फिर अलाउद्दीन जाफर ख़ान को अपना सरदार मंतखब कर लिया इस ख़ानदान के दसवीं बादशाह अलाउद्दीन दोम तक ये सलातीन इस जनूबी ख़िते में फ़तुहात हासिल करते रहें इन्हीं जाबाजियों और सरफरोशियों का समरा था कि इन्होंने पैन गंगा से कृष्णा और साहिल कोकन से कोरोमंडल तक का इलाका तस्खीर कर लिया दक्कन में मुसलमानों की पहली नौ आबादी दौलताबाद थी मोहम्मद तुगलक के दौर में इसे दारु सल्तनत के तौर पे आबाद किया गया था बगावत का मरक़ भी यही शहर बना लेकिन अलाउद्दीन हसन जब बादशाह हुआ तो वो दारुल हुकूमत को अपने मुस्तकर गुलबरगा ले आया और छोटी सी बस्ती को एक बड़े शहर में तब्दील कर दिया इसी के नाम पे इसे हसन आबाद या अहसन आबाद से मौसम किया गया था मगर पुराने नाम की तजदीद ने इसमें शहरियत पैदा कर दी और मुसलमानों का फारसी जौक उसकी सलामती का जामिन बन गया क़याम सल्तनत की करीब अस्सी नबे साल बाद नवी बादशाह ने बीदर में नया पाए तख्त कायम किया जिसकी शाही इमारतें मंजर की दिल रुबाई और तर्ज तमीर की खुशनुमाई में ममताज़ हैं अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी हुकूमत का पहला बादशाह था जो ख़ुद को ईरानी बादशाहों का वारिस समझता था खुद लफ्ज़ बहमन अपनी असल के अतबार से हिंद ईरानी और आर्याई है बहरी तजारतील्लक जो हिंदुस्तान के मगरबी साहिल और खलीज फारस के ममालिक के दरमियान उसवार हुए थे उस दौर में इन्हें काफ़ी फरोग हासिल हुआ हिंदुस्तान का शुमाली हिस्सा ज़्यादातर मरकज़ी आशियाई ममालिक से मुंसलिक रहा है जबकि जुनूब ने हिंद ईरानी ताल्लुकात को फ़रोग दिया है बहमनी सल्तनत की तश्कील के बाद ईरानियों और बहमनियों के माबे सफ़ारती ताल्लक़ कायम हुए हैं उसके नतीजे में शायर इस्कॉलर आर्टिस्ट सूफ़ी और ताजिर ईरान से दक्कन में वारद हुए उनमें से कुछ मशहूर नाम यूँ लिए जा सकते हैं अब्दुल मलिक के शामी जिन्होंने फतहुल सला तहरीर की जो बहम बहमनी दौर की तारीख का सबसे अहम माखज है शेख ऐनुद्दीन बीजापुरी ने मिनहाजराज की तबका नासरी पे बतौर जमीमा इजाफा व तकमिला तहरीर किए उनके अलावा मशहूर दानिश्वरों में मुफ्ती अहमद हरवी हकीम नसीरुद्दीन शीराजी, हकीम अलीमुद्दीन तबरेजी मुल्ला मोइनुद्दीन हरवी लुत्फुल्ला सब्जवारी मीर मोहम्मद बदख्शी शरीफ समरकंदी सैफुद्दीन गौरी और मीर इंजू सब बहमनी दरबार से वस्ता थे बहमनी हुकूमत ने बहमनी हुकूमत ने मुख्तलिफ मकाम जैसे एलचीपुर गुलबरगा, दौलत आबाद वगैरह में मदारस क़ायम किए जो हसन साहब बहमनी के दौर हुकूमत में फारसी ज़बान अदब की तरवीज़ में काफ़ी मददगार साबित हुई बहमनीों ने फारसी ज़बान को इंतज़ामी और दफ्तरी और इसके साथ आम बोलचाल की जबान का दर्जा भी दिया बहमनी सलातीन को लायक और अच्छे वजीर, व अमीर भी मिले उनमें दो वज़रा ख़्वाजा महमूद गावान और सैफुद्दीन गौरी तारीख़ में ऊंचा मकाम रखते हैं महमूद गवान का शिकस्ता मदरसा आज भी उसकी अज़मी, उलमी नफास्त और इल्म परवरी का फसाना सुनाता है हिंदो ईरान के माबेन बर्री और बहरी रास्ते की दुशवार गुजारी के बावजूद शाही कदरदानी और दरिया दिली बहुत से अहले फजल को इस ज़माने में दक्कन खींच लाई थी बहमनी सलातीन के इनाम से बहरामंद होने वाले अदीबों शायरों में फजलुल्लाह शराजी आज़री असफर आइनी मुला दाऊद बीदरी मोहम्मद सराज और ऐनुद्दीन बीजापुरी काबिल ज़िक्र हैं सुल्तान महमूद शाह अवल के दौर में फारसी जबान व अदब को मजीद फलने फूलने का मौका मौका इनायत हुआ सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी ख़ुद एक स्कॉलर था और कई जबानों पे अबूर रखता था फारसी फ़लसफ़ी मीर फजल इंजू ने सुल्तान महमूद अव्वल की तालीम और तरबियत की थी सुल्तान महमूद अव्वल के फारसी शायरी की तरफ तवज्जो के सबब बहुत सारे ईरानी शायरों और दानश्वरों ने उसके दरबार में आना शुरू किए वो गुलबरगा को अपना दारुलस सल्तनत और अरबी फारसी दानश्वरों का गहवारा और मरकज बनाना चाहता था उसने हाफिज सिराजी जैसे मशहूर ईरानी शायर को दक्कन आने पे रजामंद कर लिया था मगर बंदरगाह पे समुंदर का तलातुम देखकर हाफिज को साहिल से आगे कदम न बढ़ाने में ही सलामती मालूम हुई बकौल सादी बेदरिया दर मुनाफे भी शुमार बेदरिया दर मुनाफ़े भी शुमारस्त वगर खाही सलामत बर बरकनारस्त बहरी सफ़र का तजुर्बा न होने और हिंदुस्तान की आबो हवा और मौसम की हिद्दत और दराजी उम्र के सबब उन्होंने हिंदुस्तान आने से माजरत कर ली और अपनी एक पुरकैफ गज़ल दरबार बहमनी को भेजी कुछ आसार मैं आपके सामने पेश करता हूँ दमी बागम बुरदन दमी बागम बे बुरदन जहाँ ने यक्सर नमी अरजद बे मई बे फरूस दल के माँ कजीन बेहतर नमी अरजद शिको है ताज सुल्तानी के बी में जान दर उ दर्ज कुलाही को दिलकश अस्त अम्मा बे तुर के सर नमी अरजद सुल्तान खुद शायर था लेकिन उसका दीवान गुम हो जाने के बाइस, उसकी शायरी तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं उसके बावजूद मशहूर मारख मशहूर मुारख़ फरिश्ता ने सुल्तान के कुछ आसार को बतौर नमूना पेश किया है आंजा के लुफ़ दोस्त देहद मनसब मुराद तख्ते सयाह व ताले मैमून बराबर अस्त सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी रोशन फिक्र आलिम होने के साथ इल्म नवाज़ भी था सुल्तान बनने से पहले ख़ुद उसने शायरी शुरू कर दी थी और अपना तखलसूजी रखा था बाद में फिरोजी तखलस कर लिया फरिश्ता ने उनकी गज़ल कई जगहों पे नक़ल की है जो हमारे लिए एक बेहतरीन आ, सोर्स है एक बेहतरीन मनाबा है सुल्तान फिरोज शाह ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए और मतदा को अपने दरबार में दावत दी यहाँ तक कि उसने हमत व फलसफा उल्मा को भी अपने दरबार में जगह दी जिसके नतीजे में गुलबरगा फारसी तहजीब व तमदन का मरकज़ बन गया हुकूमत की बाग की, बाद में सुल्तान शहाबुद्दीन अहमद अव्वल के हाथों में आई वो मजहबी शख्स होने के बावजूद शायरी और मौ, मौसीकी से काफ़ी मुतासर था उसने अपने दारु सल्तनत को गुलबरगा से बीदर मुंतकिल कर दिया गरचे उसके दरबार में शायर मौजूद थे मगर उनके यहाँ वो खरोश बाकी न रहा जो ताजुद्दीन फिरोज के दौर में मौजूद था उसके अहद में मशहूर शायर अजहरी इस जिसने शाहनामे फिरदौसी के तर्ज पे बहमन लिखा जो कि बहमनी दौर की मंजूम तारीख है उसी तरह जैसा कि मैंने इशारा किया था कि मुख्तलिफ अदवार में कुछ ऐसी शख्सियत रही हैं जिनका कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता है यकीनन महमूद गवान की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी ख्वाजा इमा, इमादुद्दीन महमूद गिलानी जो महमूद गावान के नाम से शोहरत रखता है ये दक्कनी अदब की तारीख का बड़ा अहम नाम है वो आलिम दीन होने के साथ माहिर रियाजी दाँ और मुसनफ व शायर था तजारत की गर्ज से पंद्रहवीं सदी ईस्वी में बहमनी दौर हुकूमत में वो हिंदुस्तान आया और यहीं मुक़ीम हो गया बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह सेवुम के दरबार में वो वजी अजम के अहदे पे भी फायज हुआ उसे शाही खानदान का एतमाद हासिल था महमूद मुसनफ़ और शायर होने के साथ रियाजियात और फलसफा में भी काफ़ी महारत रखता था महमूद गावा अच्छा मुंतजम और मुदब्बिर होने के साथ साथ अदीब और अदब नवाज़ भी था दक्कन में कोई उसके हम पल्ला नहीं था मकामी हु के साथ दिगर सलातीन भी उसके इल्म फजल के बाइस उसकी ताजीम करते थे उसके इल्मी जौक का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि उसकी वफात के बाद उसके मकान मकान से मुख्तलफ़ल फ़नून पर मुश्तमिल पैंतीस हज़ार से जायद किताबें बरामद हुईं। सुल्तान की इजाजत से उन्होंने शहर बीदर में एक मदरसा कायम किया जो मदरसा गाँव के नाम से मशहूर है उन्होंने अपनी ज़ाती रकम से इसकी तमीर करवाई ये तीन मंजिला अकामती मदरसा था खुरासान के मदारस के नमूने पर इसकी तामीर कराई गई थी उसका मीनार और गुंबद समरकंद के तर्ज तामीर से मुशाबा था इस अहद के एक शायर सामयी ने उसकी तारीख़ तासीस कुरान करीम की आयत रबना तकबल मन्ना से निकाली और उसको एक रुबाई में पिरो दिया इन मदरसे रफ़ महमूद बिना महमूद बना इन मदरसे रफ़ी महमूद बना चुकाबे शुदे अस्त कबल अहल सफ़ा आसार कुबूल बीन के शुद्ध तारीख़स अज आयत रबना तकबल मन्ना दक्कन में ये पहला इस्लामी जाम जामिया था उस दौर में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत हासिल थी इस जामिया में एक मुनज़म कुतुब खाना भी था जिसमें तीन हज़ार से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। गर्ज के पूरे हिंदुस्तान में दरसगाह के लिए इससे ज़्यादा अजीम शान और वसी कोई दूसरी इमारत मौजूद नहीं थी इस मदरसा के बदौलत इस सल्तनत में फ़रासत की रोशनी फैली उसका तर्ज़ तामीर हिंदू ईरानी हैं उसकी उनकी इल्मी व अदबी फालियत के सबब दक्कन में फारसी आम हुई उस मदरसे की इमारत अब भी अपनी दास्तान पारीना की कहानी सुनाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के महकम आषार कदीमा के जेर तहवील मौजूद है बकौल मौलाना अबुल हसनात गो इसके बाद हिस्से मुनदिम व शिकस्ता हैं लेकिन उसकी शान तो इस्तेहकाम की पूरी वीत आज भी देखने वाले को ये देखने वाले को बैक वक्त ये नजर मालूम होती है कि ये मदरसा फराज कोह पे कायम किया गया था इमारत का तूले, शर्क व गर्भ पचहत्तर और अर्ज शुमालन व ज़ुनूबन पचपन गज है मदरसा के सामने दो बुलंद मीनार थे जिसमें से एक मीनार अभी तक मौजूद है उसकी बुलंदी सौ फीट की है सहने मदरसा में मस्जिद थी और हर चार तरफ मुसलसल वसी हुजरेबा व उल्मा की अकामत के लिए बने हुए थे जो तलबा मदरसा में रहते थे उनके मसारफ़ क़याम ताम वक्त से दिए जाते थे मदरसा के लिए दूर से नलों के ज़रिए आब रसानी का सामान किया गया था बैरूनी मामालिक से मशहूर यहाँ तशरीफ़ लाते थे और ठहरते थे मशहूर ईरानी शरा और मुनफिन से जैसे मौलाना अब्दुलरहमान जामी ख्वाजा उबैदल एहरार शमसुद्दीन सखावी और शरफुद्दीन अली यजदी से उसने अच्छे ताल्लुक पैदा कर लिए थे इसी बिना पर बीदर फारसी तलीम तरबियत का अहम मरकज़ बन गया था जिसकी शहरत मगरबी आसियाई ममालिक तक जा पहुँची महमूद गावान की दो तसानीफ इंसा और इंसा का सुराग मिलता है उसमें से पहली किताब उसकी तहरीर करदा खतूत का मजमु है ये खतूत खुद महमूद की जानिब से या सुल्तान महमूद शाह लश्करी की जानिब से लोगों को तहरीर किए गए थे इसमें चंद खतूत इराक़ मिस्र और गीलान के हुक्मर और तुर्की सुल्तान के नाम भी दर्ज हैं महमूद गावा की फ़ौजी मुहिम और फते गोवा के बारे में इन खतूत में इतलात मिलती हैं ये खतूत मुसज़ा और मुकफ़ा उसलूब में तहरीर किए गए हैं उसकी जबान पर अरबी उसलूब का गहरा साया महसूस होता है उसके बावजूद रवानी में फारसी और आम जबान की तरह है अरबी या फारसी लफजियात के मरकबात इसे काफ़ी पसंदीदा थे और वो ज़मीर मरक्ब का काफ़ी इस्तेमाल किया करता था दूसरी तसनीफ़ मनाजरसा इसमें असूल ख़तूत नगारी और इंसा नगारी पर गुफ्तगू की गई है अपने तर्ज़ तहरीर और लफ्ज़ियात के अतबार से ये आर्ट का बेहतरीन नमूना है उसके बाद हम यूँ देखते हैं कि फ़ारसी अदब को दक्कनी सल्तनत में दरबारी सरपरस्ती हासिल थी और इसी वजह से इस ख़ते में इसे काफ़ी फ़रोग मिला शुमाली हिंद में फ़ारसी को जो अहमियत हासिल थी वही मकाम उसे दक्कन में भी हासिल करना था और उसे आदिल शाही निज़ाम शाही और कुतुब शाही के ज़रिया वो मकाम भी हासिल हुआ कुछ गैर मामूली फ़ारसी अदबी तसनी, तसानीफ उस दौर में मंजर आम पे आई थी जो आज भी मशहूर है और मुख्तलिफ दानसगाहों में हमारे स्कॉलर्स उस पर काम कर रहे हैं अब हम बात करते हैं आदिल शाही दौर की आदिल शाही दौर में भी फारसी जबान अदब को काफ़ी तकवीत मिली शुमाली हिंद में मुगलों की तरह बीजापुर की आदिल शाही हुकमरानों ने दक्कन में फारसी जबान के फ़रोग के लिए तामीरी तर्ज तहरीर अख्तियार किया यूसुफ आदिल शाह जो के आदिल शाही सल्तनत के बुनियान गुजार भी हैं और बहसीत शायर खुद उल्मा और दानश्वरों की शहबत पसंद करते थे उन्होंने ईरान मावेराउन नहर और अरब के मुख्तलिफ उल्मा को बेजापुर आने की दावत दी यूसुफ आदिल शाह ने ईरान के सफवी हुक्मरानों से अपने ताल्लुक उसवार करने की खातिर तशही को रियासती मजहब करार दिया उसके नतीजे में सफवी सल्तनत और बीजापुर के माबेन बड़े अच्छे सियासी और सकाफती ताल्लुकात पैदा हो गए और मतदीद फारसी व दानश्वरों ने आदिल शाही सल्तनत का रुख किया जो बाद में फ़ारसी ज़बान व अदब को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हुआ इसमाइल आदिल शाह ने सफवियों के साथ अपने ताल्लक़ को हमेशा बरकरार रखा वो खुद एक शायर था और वफाई उसका तखलस था फरिश्ता ने उसको आदिल शाही सल्तनत का सबसे अच्छा और बड़ा शायर करार दिया है अलीदिल शाह जो इस्माइल आदिल शाह का बेटा था वो अपनी इंतज़ामी सलाहियत और अदब परवरी के लिए मशहूर था वो ख़ुद एक दानश्वर और इस्लामी आर्ट यानी ख़ताती का माहिर था और किताबों का रसिया था शाही लाइब्रेरी में उसने अच्छी खासी किताबें जमा कर रखी थी मशहूर जैसे शाह फ़तल शराजी हकीम अहमद जीलानी मीर शमसुद्दीन महमूद इस्फहानी शाह कासिम इंजू मुर्तज़ा खान इंजू रजीउद्दीन शिराजी और अफजाल खान शिराजी इन सभी लोगों को दरबार की सरफरस्ती हासिल थी इब्राहिम आदिल शाह सानी ने एक शहजादे की हैसियत से अपने दरबार में शायरों और आलिमों को शुमाली हिंदुस्तान और ईरान से जमा किए दक्कनी और हिंदवी ज़बान के अलावा इसे फ़ारसी ज़बान पर भी दस्तरस हासिल था उसे फ़ारसी ज़बान पर भी दस्तरस हासिल था नीज़ वो उसकी सियासी और सकाफती अहमियत से भी वाकिफ था इसीलिए उसने अपने वज़ीर शाहनवाज़ खां को फ़ारसी अदब से लगाव पैदा करने के लिए खास तौर पे मामूर किया था मलिक आदिल शाही दरबार का सबसे मशहूर शायर था उसकी मसनवी मन अनहार निजामी की मसनवी मखजनुल असरार के तर्ज पे लिखी गई है रफीउद्दीन उद्दीन शीराजी को को रोजतुलसफा और हबीबुल शैर की तदवीन पे लगाया गया था ये दोनों मरकजी आशियाई मरकजी आसिया की तारीख पे मबनी है मुला जहूरी का मुआसिर था उसकी मशहूर किताब गुलजार इब्राहिमी जो उसने अपने खसर के इश्तराक में लिखी थी उसकी दूसरी किताब से नसर जहूरी जो अपने उसलूब की गैर मामूलियत के सबब सबबूरी को अहम फारसी नसर नगार साबित करने के साथ उसे दक्कनी फारसी शायरों में अला मकाम फायज करती है आदिल शाही दौर खास तौर पर दुनिया में तारीख़ फरिश्ता या नौरस नामा मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता की वजह से जाना जाता है तारीख़ का अनवान और ख़ुद मुसनफ का नाम अवामी असरात को ज़ाहिर करता है ये तारीख़ खास तौर पे दक्कन के अहद उस्ता के हुक्मरानों के हालात बयान करती है फरिश्ता ने तकरीबन पैंतीस तारीखों को जमा करके इसे अपनी किताब में मदद ली इससे अपनी किताब में मदद ली उसने इन किताबों को अपनी वफात से तीन साल कबल मुकम्मल किया इब्राहिम आदिल सानी के दौर में दूसरी अहम किताब जो लिखी गई थी वो तस्करूक है उसके मुसनफ़ मीर रफ़ीद्दीन इब्राहिम शराज़ी हैं इब्राहिम आदिल सानी की उनको सरपरस्ती हासिल थी ये बीजापुर के अवाइल के बादशाहों की तारीख है फिर भी मुसन्निफ ने बहमनीों के मुख्तर तारफ़ से इसका आगाज किया है और मुगलों पर उसका ख़ात्मा हुआ है सोलह सौ आठ में ये किताब मुकम्मल हुई आदिल शाही दौर के मशहूर शोरा में मोहम्मद हासिम संजर बाकिर अस्करी कासानी हैदर दहीनी आगा मोहम्मद नामी तबरेजी और राशिद कजवीनी है मोहम्मद संजर इरफानुल आशिकीन में मस्कुरा हैं कि हासिम संजर में इस्फहान से के हासिम संजर इस पंद्रह सौ इक्यानबे ईस्वी में इस्फहान से हिंदुस्तान पहुंचा उसे मोगल दरबार में अकबर की सरपरस्ती हासिल रही उसके अलावा शहजादा सलीम शहजादा दानियाल और शहजादा खुसरू ने भी उसकी भरपूर पजीराई की बहरहाल वो दक्कन हिजरत कर गया और बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में उसकी वफात तक मुकीम रहा उसने मुख्तलिफ कसीदे सुल्तान और उसके वजीर शहनवाज़ ख़ान की शान में तहरीर किए निजामी के ख़मसा की तकलीद करते हुए उसने मतदीद मसनविया साकी नामा और तरजीह बंद तहरीर किए उसके बावजूद उसके कलियात में सिर्फ़ एक मसनबी वो भी बिलानवान मिलती है बाकिर कासानी ने इब्राहिम आदिल शाह के दौर में फारसी अदब की तरवीज वसात के लिए काफ़ी अहम रोल अदा किया उसने मखजनुल असरार की तकलीद में एक मसनवी तहरीर की और दो तरजीह बंद एक कसाई मरूजी और दूसरा सईद और दूसरा सादी शीराजी के तर्ज पे सुल्तान की ईमा पे तहरीर किया वो बीजापुर का शाही लाइब्रेरी का इंचार्ज भी था सुल्तान इब्राहिम के साथ वो तकरीबन 27 सालों तक रहा अस्करी कासानी एक ताज़िर था उसने तकरीबन तीन हज़ार अशार कहें उसमें एक साकी नामा भी शामिल है जो हमासे की शक्ल में है काजी अब्दुल नबी ने मैखाने में उसका तस्करा किया है आगा मोहम्मद नामी तबरेजी सुल्तान इब्राहिम के दौर का एक मौसीकी दा और शायर था मासिर रहीमी में उसका ज़िक्र अच्छे अल्फाज में किया गया है शहनवाज खान का मौलाना फहीम मौलाना फहीम शहनवाज़ ख़ान का मदसरा था उसने खान के बेटे की पैदाइश पे सोलह सौ एक में एक कसीदा लिखा था फरिश्ता ने उसके कुछ अशार को नकल किया है उसके अलावा कुछ और भी तारीख़ी व अदबी तसानिफ का तस्करा मिलता है उनमें से कुछ यूँ हैं फतुहात आदिल शाही मोहम्मद हासिम फरूजनी उस्तराबादी ने मोहम्मद आदिल शाह के हुक्म पर चौदह चौदह सोलह सौ तिरासी में तसनीफ किया था ये आदिल शाही सल्तनत की तारीख है बीजापुर के दरबार की अदबी जिंदगी और मलिक अंबर की इसमें दर्ज हैं इब्राहिम आदिल शाह के दरबार से मुनसलिक रहने के रहने वाले शायरों का भी तस्करा किया गया है मोहम्मद नामा मुल्ला जहूर बिन जहूरी ने इब्राहिम इसानी और मोहम्मद आदिल शाह के दौर में ये तारीख तसनीफ की ये किताब बीजापुर की समाजी तारीख को तफसील के साथ बयान करती है ये नादिर और नायाब मखतूता है आदिल नामा फरोज़नी उस्तराबादी की ये नज़म मोहम्मद आदिल शाह के हुक्म पे सोलह सौ बत्तीस में लिखी गई थी इसमें मोहम्मद आदिल शाह की के इब्तदाई पाँच सालों की जंगी मुहिमात का तस्करा मिलता है मादिनुल अफकार फजूनी की ये मसनवी मसनवी निजामी के मखजनुल असरार के तर्ज पे सोलह सौ चौंतीस ईस्वी में लिखी गई थी नू से पहर फजूनी की ये मसनवी खसरू यानी आमिर खसरू की नू से पहर की तकलीद में सोलह सौ पच्चीस में लिखी गई थी इसी तरह और भी किताबें हैं जो इस मकाले में शामिल हैं उसके बाद निज़ाम शाही दौर के तरफ आ, उनके भी कुछ फ़ारसी जबान व अदब के तरवीज़ के सिलसिले में खदम्त रहे हैं निज़ाम शाही हुकूमत का दौर बहुत ही मुख्तसर था मुख्तसर होने के बावजूद ये हमेशा शुमाली मुग़लों के खतरात से घिरी रहती थी उसके बावजूद बावजूद उसने शायरों और दानिशरों की सरपरस्ती में कोई कमी नहीं की सबसे अहम तारीख़ बुरहानुल मासिर जिसको सैयद अली बिन अजीज़ुल्ला तबा तबाई ने तसनीफ़ की ये दक्कन की मशहूर तारीखी तसानीफ में से एक है अली तबा तबाई ईरान के समनान शहर के रहने वाले थे और पंद्रह सौ अस्सी ईस्वी में वो गोलकुंडा तशरीफ लाए थे वो इब्राहिम कुतुबशाह शाह के दरबार से मुनसलिक हो गए लेकिन मीर शाह मीर के कैद हो जाने के बाद वो गोलकुंडा छोड़कर अहमदनगर आ गए थे बुरहान निज़ाम सानी के दौर में उन्होंने दक्कनी हुक्मरानों खास तौर पर अहमदनगर के निजाम शाह और उनकी जानशीन बहमनियों की तारीख कलमबंद करना शुरू की बुरहानुल मासिर खुद एक तारीखचा है जिसमें इस किताब के आगाज की तारीख मस्कूर है ये किताब तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है पहले हिस्से में गुलबरगा के बहमनी दूसरे में बीदर और तीसरे में अहमदनगर के सलातीन का तस्करा किया गया है उसके अलावा मुग़लों के जरिया अहमदनगर की खिलाबंदी का भी तफसीली जिक्र हुआ है ये ख़ताबी इस्लूब का बेहतरीन नमूना है इसमें जगह जगह कुरानी आयात के हवाले मिलते हैं नीज तारीख़ इल्ची निज़ाम शाह का सादा उसलूब भी नज़र आता है उसका असल फारसी मखतूता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में महफूज है जिसे बाद में मौलवी सैयद हासमी ने हैदराबाद से उन्नीस सौ छत्तीस ईस्वी में शाया किया एक दूसरे मरूफ शायर और दानश्वर जिन्होंने बुरहान निज़ाम शाह अवल के दौर में अपनी अहमियत तस्लीम कराई वो शाह ताहिर बिन शाह रजीउद्दीन हुसैनी हैं उसने बुरहान निज़ाम शाह अव्वल को तशी अपनाने के लिए क़ायल कर दिया उसने अहमदनगर में एक फिकही मदरसे की बुनियाद रखी यहाँ फारसी दानश्वरों और मुनफ दूर दराज से आने लगे नस्ल नगार होने के साथ वो शायर भी था मजालसलमिन के मुन्फ़ सुशतरी ने शाह ताहिर के मौजूदा कारनामों का ज़िक्र किया है उसी तरह से फ़तेहनामा मनशाते, शाह ताहिर वगैरह कुछ मरूफ किताबें हैं मशहूर किताबें हैं इस दौर की मौलाना आ, मलिक पंद्रह सौ अठहत्तर ईस्वी में कजवीन से मुतज़ा निज़ाम शाह के दौर दौरे हुकूमत में अहमदनगर तशरीफ़ लाए और वहाँ से दरबार में और वहाँ के दरबार में उनका इस्ताल किया गया उन्होंने मुतज़ा निज़ाम शाह बुरहान निजाम शाह सलाबत ख़ान और ख़ान ख़ाना की शान में कसीदे कहे हैं जो कि उनके कलियात में मौजूद है वो सत्रह साल तक अहमदनगर में मुकम थे कुतुब शाही दौर में फ़ारसी ज़बान व अदब की तरवीज भी बेहद अहमियत का हामिल है सुल्तान कुली क़ुतुबुल मलिक शाह अवैस कुली का बेटा था उसकी पैदाइश हामदान में हुई उसके वालिद पंद्रहवीं सदी ईस्वी के आगाज़ में दिल्ली आए और जल्द ही दक्कन पहुंच गए यहाँ उसके वालिद ने बहमनी सल्तनत की मलाजमत अख्तियार कर ली सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी की हुकूमत के आखिर अयाम में वो दक्कन आया और तुर्की गुलामों के ग्रोह में शामिल हो गया सुल्तान मोहम्मद शाह को तुर्की गुलामों से बेहद दिलचस्पी थी और उन्हें बहुत अजीज़ रखता था कुली कुतुब इल्मुल हिसाब में बड़ी महारत रखता था और खुशखत था इसलिए उसे शाही महल्ला का हिसाब नवीस के तौर पे मुकर्रर किया गया था बहमनी सल्तनत में उसे में उसे चौदह सौ पंचानवे ईस्वी में तेलंगाना सूबे का सूबेदार बना दिया गया था अपनी काबिलियत जहाँबाजी और वफादारी के बदौलत वो तेजी से तरक्की के जीने तय करता गया और महमूद शाह बहमनी की वफात के बाद उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया उसने गुलकंडा को मोहम्मद नगर के नाम देकर अपना पाए तख्त बनाया इस तरह कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद परी कुतुबशाही हुक्मर फ़ारसी अदब की परवरिश करने वालों में से थे उस दौर में सुल्तान मोहम्मद उली कुतुब शाह और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह खुद शायर थे वज़ीरों में मीर मोहम्मद मोमिन जो कि सुल्तान उली कुतुब शाह और मोहम्मद कुतुब शाह के दरबार में वकील और पेशवा थे पेशवा पेशवा बिन खातून ने ईरान के सफीर होने के साथ कुतुब शाही दौर में फारसी अदब के फरोग में अच्छा खासा किरदार अदा किया सलाते गोलकुंडा अकीदे के लिहाज से अहल तशी थे उनके ताल्लुक ईरान के साथ हमेशा गहरे रहे शायद यही वजह कितुब शाही ख़ानदान के, के बादशाहों ने ईरानी तहजीब अदब को इतनी अहमियत दी कि फारसी इस्लूब आहंग लहजे अशनाफ़ और मज़ाक सुखन इब्तदाही से यहाँ की मुश्तरक ज़बान उर्दू पे छा गई फ़ारसी असलूब और रवायत के इस असर का अंदाज़ा मोहम्मद कुली कतुबसाह के कलियात से भी लगाया जा सकता है जिसमें उर्दू ज़बाँ औजान व बहू व बहूर जज्बा व तखुल और तशबह व मुहावरे में फ़ारसी ज़बान के ताबे बना दी गई और हिंदवी जज्बा व तखुल और अवज़ान तर्क कर दिए गए इसका नतीजा ये निकला कि गोलकंडा के उर्दू अदब पर इब्तद ही से फारसी की छाप लग गई इस दौर का तख्लीकी अदब भी शाह ने व की खुशनुदी हासिल करने के का जरिया करार पाया चुनानचे अक्सर कसीद कसीदे और मसनवियाँ उनकी फरमाइश या खुशी के लिए लिखी गईं फारसी तहजीब के असर ने माशरती जिंदगी को मुतािर करने के साथ मकामी अदब पर भी गहरे असर मरतब किए उस दौर की शायद ही कोई काबिल ज़िक्र तसनीफ़ ऐसी हो जो फारसी अदब से माखूज न हो ये सारा दौर फारसी से अखज़ और तर्जुमे का दौर कहा जाता है अब्दुल्लातुब शाह को फारसी और दक्नी अदब और मौ, मौसीकी से गहरी दिलचस्पी थी उसने अदीबों शायरों और कदरदानी की, की मशहूर फारसी लगत बुरहान क इसी जमाने में लिखी गई इसमें मिर्जा गालिब ने बहुत सी खामियों को यकजा करके बहुत सी खामियों को निकाल कर उसके जवाब में कात बुरहान के नाम से एक किताब तहरीर की है जो बहुत मारूफ है कुतुब शाही दौर में दक्कन की सकाफ़त और फ़नून लतीफा को औज कमाल तक पहुंचाने पहुँचाने में बादशाहों की गहरी दिलचस्पी बादशाहों ने गहरी दिलचस्पी ली दक्कन में फन तामीर को इस कदर तरक्की दी गई कि ये ख़्वाबों की सरजमीन बन गई इस जमाने की यादगारों में मसाजिद बागात सफाखाने, तारीखी इमारत किले सरायें और मकबरे बिलखसूस शामिल हैं पंद्रह सौ अठहत्तर ईस्वी में तामीर होने वाला गोलकुंडा किला फन तामीर का शाहकार है इसके बाद पंद्रह सौ सन्तानवे ईस्वी में हैदराबाद में नौ लाख रुपये की लागत से तामीर होने वाली मस्जिद जिसमें आठ सौ नमाजियों की गुंजाइश थी इन बादशाहों के जौके सलीम की मजहर है उसके अलावा साजिदा खानुम मस्जिद हयात बाक्सी मस्जिद टोली मस्जिद मियाँ मुश्क मस्जिद मक्का मस्जिद अतापुर मस्जिद मस्जिद रहीम खां, कुलसुम बेगम मस्जिद खैरताबाद मस्जिद और दारुशफ़ा मस्जिद भी तारीख़ी अहमियत की हामिल है दक्कन का बड़ा शफा ख़ाना शफा, जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पंद्रह सौ पंचानवे में तामीर कराया ख़दत खल की उम्दा और बेहतरीन मिसाल है सबसे बढ़ ये बात लायक तहसीन है कि कुतुब शाही दौर में दक्कनी जबाँ के अदीबों ने अपने अहद के हालात के बारे में अपने मुशाहदात व तजुर्बात जज्बा वहसास अहसास और तसुरत को अपने फिक्र फन की आसास बनाकर अपनी तखीलात को अब्द आसना बना दिया यानी हमेशा के लिए शाहकार बना दिया तखली के फन के साथ दक्नी अदीबों की कलबी वबस्तगी और वालिाना मोहब्बत ने उनके उसलूब को रूह और कल्ब की गहराइयों में उतर जाने वाली असर आफरीन से मतम किया उसके एजाज से ज़िंदगी के ताबो तोवानाई में बेपनाह इजाफा हुआ ये सल्तनत का मुबैस एक सौ सा अस्सी साल तक सरजमीन दक्क़न पर कायम रही फिर मुग़लों ने इस सल्तनत पर कब्जा कर लिया कुतुब शाही सल्तनत का आखिरी ताजदार अबुल हसन ताना शाह भी नहाय काबिल और इल्म कदरदा था औरंगज़ेब के हाथों 1687 में उसकी शिकस्त और गिरफ्तारी के बाद ये इल्म परवर और अदब दूस सल्तनत अपने खात्मे को पहुंची इसी तरह दक्कनी सल्तनत का खात्मा द, इसी तरह दक्कनी सल्तनत के खात्मे के साथ फारसी आर्ट और अदब का बाब बंद हो गया औरंगजेब ने मर्रखीन को तारीख़ नवीसी से भी माजुल करार दिए करार देकर उसे बंद करवा दिया उसके बावजूद कुछ तारीख़ नगारों ने ज़ाती तौर पे औरंगज़ेब और, और अहद औरंगज़ेब के बारे में इजहार ख़्याल किया है नेमत खान अली सत्रह सौ से सत्रह तक का उनका पीरियड है ने भी ऐसे ही मुसनफिन में उनका भी शुमार ऐसे ही मुसनफ़िन में होता है शायरी के साथ वो तारीख़ नवीसी से भी मुनसलिक रहें उनके आबा वजदाद शिराज से ताल्लुक रखते थे शाहजहाँ और औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार से वाबस्ता होने के साथ शहज़ादी निशा की खिदमत निशा की ख़िदमत भी उनके सुपुर्द की गई थी उसके बाद ये शाही मतबक के दारोगा के अहदे पर फायज़ हुए और इसी दे पे रहते हुए औरंगजेब की जानिब से उन्हें नेमत खान का लक़ब से सरफराज किया गया था शाह आलम अव्वल हद में उनको शाही दरबार के तारीख नवीस के अहदे पर मामूर किया गया रोजनामे वाकए जिहाद हैदराबाद शाही तारीख पर उनकी शाहकार तसनीफ़ है जिसको वकए नेमत खां आली या वकए गोलकुंडा के नाम से भी जाना जाता है इसमें उन्होंने औरंगज़ेब के मुहासरे गोलकुंडा का मुख्तसर तस्करा किया है आली ने नसर और नज़म दोनों में दोनों असनाफ़ में तबाह आजमाई की है नज़म की फ़ में गजल, मसनवी और कसीदा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं सुखन आली के नाम से बिलग्रामी ने बिलग्रामी को एक नुस्ख़ा मिला उसके मुताले से ये बात वाज़ हुई कि ये नेमत ख़ँ आली की मसनवी है जो चार हज़ार अबियात पर मुश्तमिल थी लेकिन आम तौर पर अब उसको मसनवी नेमत खां आली के नाम से जाना जाता है दीवान नेमत खां अली उनके गज़ल का दीवान है तबसर और इंतबात फ़ारसी नसर और नजम पे मुश्तमिल किताब भी मौजूद है रूश हुक्मा हुक्मा या हुक्मा के तंजिए की तंजिया तसनीफ़ है उन्होंने नेमत नमतमा के नाम से कुरान मजीद की तफसीर भी तहरीर की जिसे उन्होंने औरंगज़ेब के हुजूर में हदीयतन पेश भी किया था उसके बाद फारसी ज़बानो अदब से मुतालिक जो कारनामे सामने आए वो सरकारी सरपरस्ती से महरूम रहे उनमें से कुछ यूं दर्जेल हैं मंतखबुलबाब आलमगीर नामा माशिर आलमगिरी फतहत आलमगिरी ख़ुलासत तवारीख़ नक्स दिलकशा गवालियर नामा तारीख़ कश्मीर तस्कर गुल राना चहार चमन रुकत आलमगीरी वगैरह अब आखिर में आसफिया दौर के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करना नहाय मुनासिब होगा मुग़ल सल्तनत के जवाल के बाद हैदराबाद में ममलिकत आसफिया का का क़याम अमल में आया उसके बानी मुल्क आसफ जहाँ थे वो निज़ाम कहलाते थे और आज़ाद रहते हुए मुग़ल बादशाहों की बाला दस्ती तस्लीम करते थे खुतबा और सिक्का जारी रखा और मसंद और मसंद नवीसी के वक्त फरमान भी हासिल करते थे हैदराबाद मालदार रियासत थी और उसके हुक्मरानत इल्म दोस्त थे इसीलिए मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद सगीर में इल्म अदब की सबसे ज़्यादा सरपरस्ती रियासत हैदराबाद में की गई नादिर शाह के हमले के दिल्ली की तबाही के बाद हैदराबाद वो वाहिद शहर था जहां सबसे ज़्यादा अमन सुकून था और जहां के हुक्मर इलम अदब के सबसे बड़े सरपरस्त थे चुनानचे सगीर के हर हिस्से से अहले इल्म और अहले कमाल मुसलमान खींच खींच कर हैदराबाद तशरीफ़ लाए या हैदराबाद पहुँचे अठारहवीं सदी के ममताज़ मुसन में जिनका हैदराबाद से ताल्लुक़ रहा शहनवाज़ खान और आज़ाद अली ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी के नाम बहुत नुमाया हैं शहनवाज़ खान रियास रियासत के एक ममताज़ अहदेदार थे और कई किताबों के मुसनफ़ थे जिनमें सबसे अहम मासिरुल उमरा है ये दिल्ली की मुगलिया सल्तनत के उमरा और ओहदेदारों का सबसे बड़ा तस्करा है इसमें तकरीबन तमाम अमीरों के हालात मिलते हैं गुलाम अली आज़ाद भी अपने दौर के बहुत बड़े सवाने नगार थे वो सर्वे आज़ाद मासिरुल मासरकर खजाने आमिर और मख्तलफ़ किताबें भी लिखी हैं जो बहुत मरूफ़ है और आज भी उनकी तसानीफ मुख्तलिफ़ तसानीफ है उसके तरफ लोग मतवजो हो रहे हैं और उस पर को तदरीस का काम जारी है आखिरी आसिफ जाही हुमरान मीर उस्मान अली खां की शहरत दुनिया के मतमल तरीन शाह की हैसियत रखती है बहुत ही मरूफ़ हैं जिसकी इल्म दोस्ती की बेहतरीन मिसाल जामिया उस्मानिया है, सुल्तानुल हैं उस्मान अली खां एक साहब कलम फरमा रवान थे उन उर्दू और फ़ारसी में उनकी शायरी की दीवान भी बहुत अहम है ये अर्ज करना भी मुनासिब होगा कि जामिया उस्मानिया अठारह में दारुल दारुल दारदारलूम की हैसियत से क़ायम किया गया था जामिया उस्मानिया की खसूसियत यह है कि ये पहली जामिया थी यानी जिसमें उर्दू के ज़रिया तालीम दिया जाता था और एक इस तरह की पहली यूनिवर्सिटी थी मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीम और हिंदुओं के लिए अखलाक़ी तालीम लाजमी थी जामिया उस्मानिया के तहत एक शबा तालीफ व तर्जुमा भी कायम किया गया था हैदराबाद में दायरतलमआारफ के नाम से एक और इलमी अदारा क़ायम था जिसका काम अरबी की यानी अरबी ज़बान की नायाब नायाबल किताबों को जमा करना और उनकी तस्ही करके उसे शाये करना था इस तरह इदारे ने तकरीबन 500 किताबें शाये की इन किताबों की वजह से हैदराबाद का नाम पूरी इस्लामी दुनिया और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में सरपरस्लूम की हैसियत से आम हो गया हैदराबाद का किताब खान या अशफिया बर सग़ीर के सबसे बड़े कुतुब खानों में शुमार होता है ख़ास तौर पे अरबी और फारसी किताबों के कलमी नुस्ख़ों के लिहाज से ये अब भी बर सगीर का सबसे बड़ा कुतुब खाना है इसमें कलमी नुस्खों की तादाद पचास हज़ार से ज़्यादा है। हैदराबाद की इलमी सरपरस्ती सिर्फ रियासत तक महदूद नहीं थी बर के तकरीबन तमाम तालीमी इलमी मजहबी और दारों को भी रियासत की तरफ से इमदाद मिलती थी दारुलूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली को बाकायदा इमदाद मिलती थी अलावि अजीम बेशुमार साहब कमाल और अहल इल्म ऐसे थे जिनके जिनको रियासत की तरफ से वजीफ़े मुकर किए गए थे इमदाद का ये सिलसिला इस्लामी ममालिक तक फैला हुआ था और इसमें मुसलमान और और इससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी शामिल थे या उससे मुनसलिक थे इसी तरीके से कल जो आ, आ, सेमिनार के अफ्तहे में जो गुफ्तु की गई थी वो फारसी अदब की तरवीज़ में सूफिया दक्कन का क्या खिदम्त थे क्या रोल है उस सिलसिले में मैंने कल आ, कुछ गुफ्तु की थी मैं उन चीज़ों को दोबारा नहीं पेश कर रहा हूँ और उसके साथ साथ उन हिस्सों के तरफ आता हूँ जहाँ सकाफ़त के ताल्लुक से सकाफ़त और दिगर फ़नून के ताल्लुक़ से हैदराबाद के हैदराबाद और दन की क्या ख़दमत रहे उस पर भी थोड़ी बरीफ गुफ्तु करना आ, मुनासिब होगा दनी शहर इस बात की शहादत देते हैं कि उनकी हिंद-ईरानी यानी इंडो पर्सियन या हिंद इस्लामी इंडो इस्लामिक तर्ज पे हुई उनमें अहमदनगर बीदर बीरार गुलबरगा बीजापुर जैसे शहर शामिल हैं उनके गुंबद, मीनारे सहन दरो दीवार उन पे नक्स व नगारी फारसी फन तमीर की अक्कासी का ऐलान करती है इन तमीराम में ईरानी शहर इस्फाहान तब्रेज शराज की झलकियां मौजूद हैं शहर हैदराबाद की बात की जाए तो ये ईरानी शहर इस्फहान के नमूने पे तामीर किया गया है एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि शुमाली हिंद के शहर जौनपुर को शीराज हिंद कहा गया तो शहर हैदराबाद को इसफान हिंद कहा गया या इस्फान हिंद से ताबीर किया गया इन असरात से बासानी ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि दक्कनी कल्चर पे ईरानी और फारसी असरा किस कदर कह रहे हैं तर्ज तमीर के अलावा यहाँ के लबो लहजा बोल चाल वग़ैरह पर भी गहरे फारसी की फारसी सकाफती असरा पाए जाते हैं जश्न रूसी रेशमी मलबूसात चाय और चाय खाने हुक्का कोफ्ते कबाब पुलाव ये सारी चीज़ें जो दक्क़न में आम हैं फारसी की देन है और ख़ास एक बात कहना या इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि यहाँ फारसी ज़बान की तालीम सेकुलर मिजाज़ की हामिल रही है फ़ारसी ज़बान की तमीर सेकुलर मिजाज की हामिल रही है इससे मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वालों ने कबूल करने के साथ साथ उसकी तमीर व तरक्की में अपनी हिस्सेदारी भी निभाई है मगलिया सल्तनत के अनहता और सल्तनत में तवायफुलमलूकी फैलने के नतीजे में फ़ारसी का असर रसूख कम होने लगा मज़द बरान वस्त एशिया और ईरान से इल्म की आमद का सिलसिला ख़त्म होने ख़त्म हो जाने के सबब उर्दू को आगे बढ़ने का मौका मिला वली दक्कनी के उर्दू कलाम से शुमाली हिंदुस्तान के अहल अदब को उर्दू की तख्लीकीत का एहसास तो हुआ लेकिन फारसी से इतने मरूब थे कि उन्नीसवीं सदी के वस्त तक उर्दू शोरा के तस्करे में भी फारसी लिखे जाते थे यानी उर्दू शोरा के तस्करे भी फारसी ज़बान में लिखे जाते थे इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सियासी मसाले की बिना पे उर्दू और हिंदी की सरपरस्ती शुरू की इस पॉलिसी ने जहाँ ने उर्दू अदब को फ़ायदा पहुंचाया, वहीं फारसी जबान की नशर वशात का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया बेहद शुक्रिया आप शुक्रगुजार हूँ आप सबों का मैंने काफी वक्त लिया इसके लिए माजरत चाहूंगा बेहद शुक्रिया, शुक्रिया हम बेहद शुक्रिया प्रोफेसर इश्तियाक साहब अभी आपने प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब जेन्यू को समाध फरमाया दकन की इमारत, मखतूत रसालत और यहाँ की सिक्के जात किताब पर जिस तरह उन्होंने रोशनी डाला तो दकन की सरजमीन अहद काकत्या से लेकर अहद आसिफ जाही तक इस इल्म परवरी की गवाह रही है और अगर इस सरजमीन के बारे में मुख्तर कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि सनाए अंजमो तस्बी है कहकशा के लिए सनाए अंजुमो तस्बी है कहकशा के लिए ये वो जमी है बनी थी जो आसमां के लिए तो इस मुकद्दस सरजमीन का जिक्र जिस तरह इश्तियाक भाई ने किया जिस वसत से किया जिस तफसीर से किया जिन तमाम चीजों तीज़, का अहाता किया उसके लिए इश्तियाक भाई के बारे में भी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है यह ये, ये कब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे मैं अब इंतहाई अदब अहतराम के साथ इस धनराजगीर मेमोरियल की सदारत कर रहे हर दिल अज़ीज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर रमदतुल्ल साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमां से सरफराज फरमाएँ मेहमान मुखर प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद साहब प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहबा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पर्शियन और इस जलसे के नाजिम प्रोफेसर शाहिद नौखे साहब और फिर असमत जहाँ मैडम और तमाम अहबाब जो ऑनलाइन इस तकरीब से जुड़े हुए हैं हजब रिवायत सबसे पहले मैं शोब परशियन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने राजा धनराज गिर जो के मशहूर वरूफ फर्जंदा दकन में शामिल हैं उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए एक यादगारी ख़ुतबे का इनका अमल में लाया और उसके शुरुआत आज से हुए और इस जिम्मन में डॉक्टर सैद स्यद, सैदा असमत जहाँ मैडम ने आ, बहुत अच्छी तरह इस मौजू पर रोशनी डाली है मौज़ा साजरीनूम ज़मीन को पस्ती से और आसमान को बुलंदी से तशबी दी जाती है लेकिन प्रोफेसर शाहिद नौखे साहब ने जहां दक्कन की सरज़मीन को जो फ़ारसी की ज़बान अदब तहज़ीब میں में मुकाम हासिल है उसका ज़िक्र करते हुए ये कहा कि یہ ज़मीन आसमान के बराबर है तो गोया इस एक छोटे से जुमले में तमाम कैफियत को उन्होंने जाहिर किया है और फिर हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहबा भी काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की एक कड़ी का आगाज़ किया अब रही बात प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की उनका जो खुतबा रहा उसके ताल्लुक़ से मैं क्या कहूँ कहने को तो ये राजा धनराजगीर यादगारी ख़ुतबा है और मैं समझता हूँ कि ये खुतबा प्रोफेसर इश्ताक़ अहमद साहब के लिए भी एक यादगारी खुतबा और तारीख़ी खुतबा बनकर रह जाएगा और फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए ये इस कदर साबित होगा कि उनको कई किताबों का मुतालिया करने के बजाय सिर्फ़ एक इस खुतबे को अच्छी तरह से ग़ौर से सुन लें तो मैं समझता हूं कि गोया उन्होंने कई किताबों का मुतालिया कर लिया इस तरह का नतीजा वो अक्स करेंगे और अपने मिखालात को बासानी पेश कर पाएंगे तो इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है तो मैं उम्मीद करता हूँ के आइंदा भी ये यादगारी ख़ुबे की कड़ी जारी रहेगी और राजा धनराजगीर साहब के जो खदमत फ़ारसी ज़बान व अदब तहज़ीब सखाफत के फरोह में जो रही हैं उनको अयाँ किया जाता रहेगा और उनकी खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे तो आखिर में सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ हाँ बहुत शुक्रिया सर दक्कन मुल्क बहुत ही छी खासा है तेलंगाना उसका खुलासा है इस सरजमीन का खुलासा तेलंगाना ही था और तेलंगाना ही का ये सपूत जिसे धनराजगीर राजा धन के नाम से जाना जाता था उन्होंने उस वहद में इल्म की जो आबियारी की जो सरपरस्ती की उसका एतराफ़ करते हुए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शुब फ़ारसी ने मेमोरियल लेक्चर का अहतमाम किया और इस मेमोरियल लेक्चर में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहबा से जो सदर शुब फ़ारसी हैं इतमास करता हूँ कि वह आए और हर शख़्स का शुक्रिया अदा करें जिन लोगों ने इस लेक्चर में या इस तहरीक में हमारा साथ दिया और इसे कामयाब बनाया हर एक के इजहार तशक् और हदिया तशक् के लिए प्रोफेसर अज़ीज़ बानो को आवाज़ दी जा रही है असलाकुम दकन के ऊनवान से तहजीब तहजीबाफत जबान और अदब और इस मुबारक मौक़े से इस्तेफादा करते हुए मैं सबसे पहले रियासत मोहतरम प्रोफेसर रहमतुल्ला साहब इंचार्ज भी बहुत बहुत शुक्रगुजारी का इजहार करती उन्होंने अपनी तमाम के बावजूद इस यादगारी खुतबे को अपनी सदारत से नवाजा और हमें एक सरपरस्ती का मौका अदा किया राजा धनराजगीर नाम हैदराबाद के यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही मरूफ़ नाम है और यहाँ की तारीख़ में न सिर्फ सिर्फ़ाह की बात है बल्कि दक्कन के ख़याम से ही बहमनी सलातीन के दौर से ही यहाँ के मुकामी राजाओं और उम्र का तहजीब व सकाफ़त में एक बड़ा हिस्सा रहा है इसी को आगे बढ़ाते हुए जाही सल्तनत में दारुल मुहाम के अहदे पर भी और वजीर आजम के अहदे पर भी बड़े बड़े हिंदुस्तानी सपूतों को मुकाम दिया गया जिनमें राजा महाराजा किशन प्रसाद शाद और चंदूलाल शादान मिल हैं। और इन सब उम्र और ने इल्म दोस्ती के साथ साथ फारसी दोस्ती का भी बहुत ही सबूत अता किया है और फारसी की बात जब कहते हैं तो ये आठ सदियों के मुहित फारसी जबान हिंदुस्तान में न सिर्फ सरकारी बल्कि तहजीब और सखाफत की जबान रही है और जितनी भी तसनीफ़ और तहरीर की ज़बान की हैसियत से अदबियात की बड़ी आ यादगार हमारे दरमियान मौजूद है जिसका ज़िक्र हमारे मौजम मुखर प्रोफेसर इश्ताक़ अहमद साहब ने बड़ी तफसील के साथ आ पेश किया है और इस यादगार खुतबे के इनखात के लिए और इस यादगारी खुतबे के लिए ख़िताब के लिए खूब हमारी दरख्वास्त को कबूल करने के वास्ते प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब के हम बहुत ही मशहूर हैं शुब फ़ारसी बल्कि यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से मैं अपने तशकुर का इजहार करती हूँ कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब ने इतनी सैर हासिल बल्कि वसी अंदाज में उन्होंने अपने खिताब को पेश किया और शुबे की जनब से मैं कोऑर्डिनेटर साहिबा डॉक्टर सैदा असम जहान और निज़ामत फरमाते हुए सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर शाहिद नज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ सब हाजरीन नाजरीन और तमाम सरपरस्तान इल्म अदब की शुक्र गुजारी के साथ मैं इस अपनी बात खत्म करती हूँ धन्यवाद खुदा हाफिज हाँ आई की टीम अब नेशनल एंथम पेश करेगी मन विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रामिड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ ना जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय दाधा जन गण मङ्गल दानक जय हे भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय, जय 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 जय, जय हे